इंडिया के वन ऑफ द सबसे अच्छे ई रिक्शा पे, क्वालिटी में ये बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, सिक्योरिटी आपको काफी इसमें अच्छी मिल रही है। तो पहला ई रिक्शा देखा जिसमें 3 लॉक है। यहाँ पर आपको जो हैंडब्रेक मिल रहा है वो ये रहा, ये देखिए एक पूरी बैटरी, ये देखिए यहाँ पर है कॉन्टेक्स का, आपको 4 से 5 घंटे में बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। क्या लोगों मेरे को देख के तो काफी अच्छा लगता है। तो मैं बताऊं तो लिथियम बैटरी का प्राइस आपको दिल्ली में 28 और आज मैं आ गया हूँ इंडिया के वन ऑफ द सबसे अच्छे ई रिक्शा पे, यात्री रिक्शा। हमारे साथ है यात्री रिक्शा और यहाँ के जो दिल्ली का जो मेन ब्रांच है उसमें आया हूँ। और यहाँ पे दो ई रिक्शा हम पे खड़े, एक ब्लू कलर में है और यहाँ पे एक रेड कलर में है। दोनों का मैं रिव्यू करने जाऊँगा। जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली में सिर्फ लिथियम बैटरी चलता है, तो ये दोनों ई रिक्शे लिथियम बैटरी में है, लेकिन आपको लेड एसिड का भी बताया जाएगा कि उसमें क्या प्राइस है, क्या सब कुछ बताया जाएगा। वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए बताते हैं आपको ई रिक्शा के बारे में। सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी जो मडगार्ड है, मडगार्ड की, तो हर जगह हर ई रिक्शे में मडगार्ड मिलता है। आपको इसी रिक्शे में भी मडगार्ड मिल रहा है, एसएस का मडगार्ड ज़्यादा ज़रूरी इसलिए क्योंकि अभी रिक्शा चलाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो पानी में वाला एरिया वो यहीं पर आता है, तो इसको आपको ढकना ज़रूरी है और ये एसएस में होना, चाहे आप एमएस का मॉडल लें चाहे एसएस का, ये आपको एसएस में ही मिलेगा जो कि काफ़ी ज़रूरी है। आगे आते हैं तो ये देखिए यहाँ पे आप अलॉय व्हील आपको मिल रहा है, अलॉय व्हील काफ़ी बढ़िया कंपनी है और टीवीएस आपको पता है ओरिजिनल कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, तो इसके यहाँ पे आपको मिल रहा है और इसकी भी आपको अच्छी खासी वारंटी जो है वहाँ पे मिलने वाली है। अच्छा आगे आते हैं तो 43mm के आपको शॉकर मिल रहे हैं, यूफेक कंपनी के शॉकर हैं आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, सिल्वर कलर का यहाँ पे पेंट हो रखा है और काफ़ी मजबूत, देखने में आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत शॉकर लग रहे हैं क्योंकि यात्री कंपनी है। दोस्तों ये मान के चलिए कि क्वालिटी में ये बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे क्योंकि ई रिक्शा जाना माना ई रिक्शा है और अगर मजबूत ई रिक्शा की बात करें तो वन ऑफ द सबसे बेस्ट ई रिक्शा मैं कहूँगा, टॉप के, सबसे बेस्ट भी नहीं तो टॉप के तो मैं आएगा। ठीक है, अच्छा आगे आते हैं तो ये देखिए यहाँ पर आपको दो लाइट मिल रही है, एक हेलोजन लाइट, यहाँ पे हेलोजन लाइट मिल रही है और बाहर LED लाइट मिल रही है। तो अगर आपको हेलोजन चलाना है तो हेलोजन चलाइए, LED चलाना है LED चलाइए, दोनों आपको अलग से ऑप्शन मिलता है अगर आपको जो भी रिक्शा चलाना है, जो भी लाइट चलानी है। अच्छा फ्रंट विंडशील्ड ग्लास मिल रहा है, वाइपर मिल रहा है जिसका मोटर अंदर है, यहाँ पे आपको YS जो है यात्री का लोगो मिल रहा है। अच्छा अब ड्राइविंग, अब आगे आते हैं ये देखिए यहाँ पर इसका लोगो लगा है, यहाँ पर जो इंडिकेटर्स हैं इसके LED लाइट में इंडिकेटर्स मिल रहे हैं। उसके बाद ये देखिए, ये क्योंकि SS मॉडल है तो इसमें आपको यहाँ पे SS का पूरा हिसाब जो है वो मिल रहा है। अच्छा ये चीज़ देखिए, ये चीज़ बहुत कम ही रिक्शे में मिलती है, ये आपका जो बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई में अलग से ये मजबूती जो कहूँगा ना, ये देखिए ये बॉक्स है, ये चीज़ ये देखिए, एक तो इसको बाहर से सपोर्ट है प्लस इसके अंदर से भी सपोर्ट, ये देखिए ये चीज़ जो है वो अंदर से सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा आगे चलते हैं तो यहाँ मैं पहले बैठ जाता हूँ, बैठने के बाद ये देखिए मेरा लेग स्पेस की हम बात करते हैं तो ये देखिए मेरी हाइट 5'7" है, लेग स्पेस काफ़ी ठीक लग रहा है, अच्छा पूरे दिन रिक्शा चलाना है काफ़ी सही। अच्छा ये देखिए यहाँ पर ब्रेक है, ब्रेक पैड मिल रहा है। अच्छा अब यहाँ पे आते क्योंकि जैसे मैंने बताया कि लिथियम बैटरी में आता है, तो ये देखिए एक चीज़ तो ये रहा, इसको मैंने ऑन किया तो ये देखिए यहाँ पर आपको डिजिटल मीटर मिल रहा है, बैटरी परसेंट यहाँ लिखा है, बैटरी परसेंट यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर कितना स्पीड चला है, कितना किलोमीटर चला है, वो सब यहाँ पर दिख रहा है। अच्छा ये तो हो गया आपका लेड एसिड बैटरी में अगर होता तो ये नॉर्मल, अगर आपका लिथियम बैटरी में हुआ तो ये चीज़ देखिए ये आपको अलग से मिल रहा है,
अब ये क्या है, ये आपका लिथियम बैटरी का अलग से बैटरी मीटर यहाँ पे है। मतलब अगर आप लिथियम बैटरी लगा रहे हो तो ये बैटरी मीटर आपको अलग से मिल रहा है, ठीक है, ये अलग से मिल रहा है। अच्छा, आपको तीन तरह के लॉक मिल रहे हैं, एक ये सेंट्रल लॉकिंग, एक ये मेन लॉकिंग, और तीसरा ये देखिए यहाँ पर इधर 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 से ये देखो ये रहा, ये भी एक लॉक मिल रहा है, ठीक है। तो ये तीन तरह के आपको लॉक मिल रहे हैं, तो सिक्योरिटी आपको काफ़ी इसमें अच्छी मिल रही है। ये देखिए, मैं इतनी सारी रिक्शा का रिव्यू करता हूँ लेकिन कुछ चीज़ें जो यूनिक मिलती हैं वो बताना मिलने काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि बाकी सब चीज़ ऑलमोस्ट सेम ही रहती है मजबूती के छोड़। तीन तरह के लॉक मिलते हैं, ये चीज़ इसका यूनिक है, जो कि बहुत ही मुझे लगता है पहला ही रिक्शा देखा जिसमें तीन लॉक है। अब एक जो चीज़ जो सबसे यूनिक है इस यात्री रिक्शा में वो ये है, जनरली आप देखते हैं तो ई रिक्शा में आपको या तो यहाँ पे हैंड ब्रेक होता है इस साथ, या आपका आगे होता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपको जो हैंड ब्रेक मिल रहा है वो ये रहा, ये देखिए ये रहा आपका हैंड ब्रेक। ये इसका काफ़ी यूनिक चीज़ है कि बिल्कुल बगल में, मतलब ना नीचे झुकना है ना आगे झुकना है, आपको बिल्कुल यही खड़े खड़े ऐसे कर दिया। कितना मतलब कितना कंफर्टेबल है, जो कि आपको सिर्फ यात्री ई रिक्शे में मिल रहा है। चलिए अब इसके बैटरी, एक तो सबसे बड़ी पहले बात करते हैं सीट की, सीट काफ़ी कंफर्टेबल है प्लस इसमें जो इसका पैटर्न बना हुआ है उसकी वजह से कंफर्टेबल हो जाती है। अच्छा, अब इसको उठाया हमने, ये देखिए यहाँ पर आपको कंट्रोलर मिल रहा है, नानिया का कंट्रोलर है 5A वाला। अब ये देखिए ध्यान से देखिए, ये जो है ये आपको कंट्रोलर, अब इसका कंट्रोलर में फ़ायदा ये है कि ये आपको वायरलेस कंट्रोल मिल रहा है, नानिया का कंट्रोलर 50A, ठीक है। इस कंट्रोलर की स्पेसिफिक क्या है ये हम सीधा आपको नानिया के शोरूम पे जाके आपको बताएंगे, अभी आपको सिर्फ समझ लीजिए एक साल की वारंटी के साथ कंट्रोलर आपको ये मिल रहा है, और बाकी सब चीज़ें यहाँ पे MCB कन्वर्टर बजर बीपर सब आपको यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा, इसको बंद करते हैं। ओके, यहाँ हो गया, अब हम चलते हैं इसके यहाँ, देखो म्यूज़िक सिस्टम बिल्कुल जहाँ ऑलवेज सम हर जगह होता है सेम वहाँ पे मिल रहा है आपको, ये चीज़ हो गई। और यहाँ पे आपको लाइट मिल रहा है अगर रात में आप चलाते हैं, लाइट LED लाइट, ठीक है। अब हम पीछे आते हैं, ये है आपका पैसेंजर सीट पे सबसे पहले देखिए सीट, यहाँ पर दो सीट है आगे पीछे, लेकिन जाहिर सी बात है हर रिक्शे की तरह इसमें भी पीछे आगे वाली सीट थोड़ी छोटी है, और पीछे वाली क्योंकि इसमें टायर और बैटरी रखी हुई तो थोड़ा बड़ा है, और कंफर्ट के हिसाब से आप जहाँ बैठना चाहे बैठ सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात इसकी बात करते हैं बैटरी की, तो इसकी जैसे मैंने बताया दो तरह की बैटरी आती है, लेड एसिड लिथियम, लेकिन क्योंकि हम दिल्ली में हैं और दिल्ली में सिर्फ लिथियम बैटरी ही चल रही है, लेड एसिड बैटरी बैन हो गई है, उसकी भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे क्यों बैन हुई है। देखिए फ्रंट में यहाँ पर आपको पूरा स्पेस मिल जाता है, ये देखिए ये आपको बैटरी, यहाँ पे आपको चार्जर मिल रहा है, यहाँ पूरा एक्सेसरीज स्पेस आपका मिल रहा है, पूरा खाली है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लेड एसिड होती तो यहाँ पे आपको दो बैटरी मिलती, अब एक पूरी बैटरी है देखिए यहाँ पर है, टॉन्टेक्स कंपनी यहाँ पे लिथियम बैटरी मिल रही है, और देखिए 51 वोल्ट की 105 एम्पीयर की यहाँ पे बैटरी आपको मिल रही है। अब बात करते हैं इस बैटरी की, तो दोस्तों देखिए 105 एम्पीयर की बैटरी है, 3 साल वारंटी है और 5 साल इसकी लाइफ है, मतलब 3 साल तक वारंटी मिलेगी, 5 साल तक लाइफ मानी जाती है कि 5 साल तक आपको बिना कुछ कराए बैटरी चलने वाली है। और आपको पता है इसमें क्योंकि लिथियम बैटरी है तो कोई पानी का चक्कर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये होगी बैटरी का, आप चार्जिंग टाइम का बात करें तो आपको 4 से 5 घंटे में बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। अब जितनी जल्दी चार्ज होगी आप उतना ज़्यादा चला पाएंगे, 80 से 100 किलोमीटर का रेंज देगी, जो कि एक दिन में चलाने के लिए काफ़ी है। और अगर बात करें वहीं पर लेड एसिड बैटरी की, तो लेड एसिड बैटरी में आपको वो भी 80 से 100 किलोमीटर देगी, लेकिन वो चार्ज होने में 10 से 12 घंटे लगाती है, वो आपको जाहिर सी बात है पता है। 6 महीने वाली है वो 120 एम्पीयर की है, जो 9 महीने वाली है वो आपको 125 एम्पीयर की है, और जो 12 महीने वाली है वो आपको 135 एम्पीयर की मिल रही है, ठीक है। तो अभी एम्पीयर का हिसाब किया, जितने ज़्यादा एम्पीयर होगा उतनी ज़्यादा रेंज होगी, उतनी ज़्यादा देर तक दूर तक जाने वाली। अच्छा, यहाँ की बात हो गई, अब चलते हैं पीछे। अच्छा, एक चीज़ जो छोटी छोटी चीज़ें आपको बताना ज़रूरी है कि आपको ये जो मिल रहा है, आपको रूफ़ मिल रही है, रूफ़ आपको स्टील मिल रही है, लोहे में मिल रही है, मेटल की रूफ़ है, पकड़ने के लिए दोनों तरफ आपको चारों तरफ एक्चुअली लोहे दे रखे हैं, सर्दी गर्मी धूप कुछ भी आए तो पर्दे,
जाहिर सी बात। अच्छा पीछे आइए, एसएस मॉडल है ये, तो एसएस मॉडल में पीछे जो जाली है एसएस में मिल रहा है, यहाँ पे आपको स्टेपनी मिल रही है। अच्छा स्टेपनी में आपको स्क्रू लगा रखें और कवर है, कवर होना ज़रूरी क्योंकि स्टेपनी जो चोरी होने के ना खतरा जो है, क्योंकि अगर आप कहीं भी बाहर भी पार्क करते हैं तो ये सब बांध देते हैं लेकिन स्टेपनी नहीं बांध पाते, तो स्टेपनी चोरी होने का जो खतरा है उससे वो बचाता है ये कवर, ठीक है। अब पीछे देखिए, यहाँ पे आपको मैं कहूँ थोड़ा एडवांस ही लग रही है आपको एलईडी लाइट, दोनों तरफ तीन सारी एलईडी लाइट मिल रही है, यात्री सुपर का लोगो है, यहाँ पे आपको नंबर प्लेट की लाइट मिल रही है और यहाँ आपको बम्पर मिल रहा है। बम्पर की बात करें, देखिए बम्पर मजबूती क्या है, ये है बम्पर की मजबूती और देखिए बिल्कुल ये फ्लैट बम्पर की मजबूती है, वाई एस का यहाँ लोगो, वाई सी का लोगो लगा है। तो ये हमने बात की एसएस की, अब हम देखते हैं एमएस की। सारी चीज़ें इसमें सेम है, बस एक जो आपको मैं इसमें बताऊंगा कि अलग एसएस से अलग क्या क्या है इसमें, ये चीज़ सेम है, बाकी सब पीछे पूरा सेम है। अब जो चेंज आ रहा है वो ये देखिए, ये आपको यहाँ पे एमएस में मिल रहा है, लोहे में मिल रहा है, जो कि उसमें आपको बगल में आप देखिए यहाँ आपको एसएस में मिल रहा था, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर यात्री का लोगो लगा पड़ा है और काफ़ी अच्छा यह लोगो मेरे को देख के तो काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये भी चीज़ आपको लोहे में मिल रही है, ये चीज़ आपको पूरा बेसिकली अगर मैं बात करूँ एमएस और एसएस में जो मेन फ़र्क है वो सिर्फ ये जाली का है, वो भी सिर्फ इसी साइड वाली जाली। मजबूती मेन होती है आपकी जहाँ पे चेसी है, और चेसी चाहे आप एमएस में लो चाहे एसएस में लो, लोहे की ही मिलने वाली है, ठीक है। इसमें भी सब वही है, जो भी अलॉय व्हील आपका हैलोजन लाइट मड गार्ड शॉकर आपको ये जो मजबूती सब आपको बैटरी मीटर सब आपको मिल रहा है, सिर्फ जो मैंने बताया जो जाली है वही आपको एमएस और एसएस में फ़र्क मिल रही है। अच्छा अब हम बिल्कुल आखिरी में बात करते हैं प्राइस की। तो दोस्तों प्राइस जो मैं अभी बताने वाला हूँ अंदाज़ा है, एग्जैक्ट प्राइस नहीं है, क्योंकि देखिए दोस्तों अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, 6 महीने बाद आप वीडियो देख रहे हो तो जाहिर सी बात है वीडियो का जो प्राइस है वो चेंज होगा। दिल्ली में मैं वीडियो बना रहा हूँ, दिल्ली का प्राइस बता रहा हूँ, आप देख रहे हो यूपी में, बिहार में, असम में, जाहिर सी बात है प्राइस चेंज होगा, ऊपर नीचे नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो मैं बताऊँ तो लिथियम बैटरी का प्राइस आपको दिल्ली में 1,90,000 से 2,10,000 तक मिलेगा, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं लेड एसिड की तो लेड एसिड आपको 1,50,000 से 1,70,000 के बीच में मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से स्टेट से ले रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या क्या एक्सेसरीज लगा रहे हो, रूफटॉप लगा रहे हो तो अलग चीज़ है, आप यहाँ पे फॉग लाइट लगा रहे हो तो अलग चीज़ है, तो सबका रेट ऊपर नीचे होता रहता है कि क्या क्या चीज़ें आप लगा रहे हो क्या क्या चीज़ें नहीं लगा रहे हो, और आप कब वीडियो देख रहे हो वो भी। तो आपको सारी प्रॉब्लम अगर आपको रेंज समझ में आ गई है तो वीडियो के नीचे नंबर आ रहा है उसमें आप कॉल करिए, एग्जैक्ट प्राइस क्या है उस टाइम जिस टाइम आप वीडियो देख रहे हो उस टाइम एग्जैक्ट प्राइस क्या है आप कॉल करिए और ई रिक्शा लेके जाइए। यात्री रिक्शा की पैन इंडिया सेल है तो पूरे इंडिया जहाँ भी ई रिक्शा चलता है जहाँ भी आपको चलाना है वहाँ पे आप नीचे वीडियो में है नंबर, कॉल करिए आपके पास का एड्रेस मिल जाएगा और ये ई रिक्शा लेके जाइए। देखिए मजबूती सबसे बढ़िया जो मेरे को अगर मैंने ई रिक्शा ड्राइवर भाइयों से बात की, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नई रिक्शा की आपने वीडियो मेरी देखी है, जो ई रिक्शा ड्राइवर भैया हैं जो इज्जत चलाते हैं उनसे मैंने बात की है तो उनसे पता चलता है कि वो कौन से ई रिक्शा को प्रेफर करते हैं, उनको कौन सा ई रिक्शा मजबूत लगता है। तो जो टॉप के मजबूती के मामले में ई रिक्शे हैं वो एक यात्री तो आता ही आता है, तो ये यात्री ई रिक्शा है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, कोई भी क्वेरी है कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन खुला है, आप कॉल कर उसमें पूछ सकते हैं। बाकी अगर ई रिक्शा लेना है प्राइस वाइज कुछ भी पूछना है तो नंबर भी नीचे है वो भी आप देख कॉल करके पूछ सकते हैं। बाकी ये रहा ई रिक्शा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि मैं और यात्री के बारे में और बताऊं या और भी नए नए रिक्शे के बारे में बताते रहूं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, धन्यवाद।